शहडोल के बुडार में एमजीएम स्कूल के पेरेंट्स ने आईसीएसई बोर्ड के नाम पर प्रबंधन पर छलावा किए जाने का आरोप लगाया गया और इस मुद्दे पर परिजन जो है वहां पर स्कूल में हंगामा कर दिए गए। और दरअसल बीते 5 दिनों में और 8वीं के बच्चों के परिजनों ने बताया कि उन्हें इस साल बोर्ड एग्जाम दी गई थी और जानकारी मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश छा गया। परिजनों के मुताबिक यदि स्कूल आईसीएसई से संबंधित है तो फिर बोर्ड एग्जाम कैसे हो सकती है। स्कूल मैनेजमेंट में इस मुद्दे पर गोलमोल करते हुए जवाब देते हुए नजर आया और इसके बाद परिजनों ने थाने में उनकी शरण ली और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने भी जांच में पाया कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और उनके परिजनों के साथ धोखा किया है। एमजीएम मैनेजमेंट आईसीआई पेरेंट्स के नाम पर उनके द्वारा मोटी फीस तो जरूर वसूल ली गई लेकिन उनके पास मान्यता एमपी बोर्ड की है जबकि उनकी मान्यता एमपी बोर्ड से ली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश उनके द्वारा दिए गए कि छात्र यदि आईसीएसई पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एग्जाम भी उसी तर्ज पर होंगे और अगर मार्कशीट भी उनके पास उसी अनुसार जारी की जानी चाहिए पेरेंट्स के लिए। ठीक है, मैं खुद गई, मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने अपने ऑफिस में हमको आधे घंटे कन्विंस किया कि मैम बुढ़ार में हमारी ब्रांच खुल रही है क्योंकि हम लोग बुढ़ार के हैं तो बुढ़ार में हमारी ब्रांच खुल रही है, आप अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि पैटर्न बोर्ड सेम रहेगा या कोई चेंजेस होंगे तो उन्होंने बोला कि कोई चेंज नहीं है मैम, स्कूल हमारी जो चीज आपको यहाँ मिल रही है जो पढ़ाई आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है आपको वही वहाँ, सिर्फ बिल्डिंग अलग है, बाकी सिस्टम सारा एक ही है, मैनेजमेंट एक ही है। प्रशासन जो मेरे को देगा अधिकार करने का मैं उसी पे करूंगी, मैं अलग से अपना नहीं कर पाऊंगी। जो यहाँ के बच्चे हैं उनको पुरानी संस्था में शिफ्ट करने की बात कही है, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम कार्रवाई पूरा करेंगे। अभी किस डिस्कशन पहुंचे हैं? अभी ये है कि अभी समस्या का समाधान हो गया है, 1 हफ्ते का समय और मांगे हैं, 1 हफ्ते के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे।